पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। रमजान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है। रमजान का महीना मुस्लिम लोगों के लिए सबसे बड़े त्यौहार की तरह होता है। ये पूरे 30 दिनों तक चलता है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं बहुत ही खुशी खुशी शामिल होते हैं और रोजे रखते हैं। रोजे रखने वाले मुसलमान सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के दौरान कुछ भी नहीं खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। सूरज निकलने से पहले सहरी की जाती है। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है कि सहरी में ऐसी चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है जो शरीर को पूरे दिन हाइड्रेट रखे। रमजान शुरू होने से पहले हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसे फूड आइटम के बारे में जिन्हें रोजेदार सहरी में शामिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि सहरी में इन चीज़ों को सेवन करने से आपको पूरा दिन कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो पहला है तरबूज। सहरी में तरबूज को शामिल करना एक बेस्ट ऑप्शन है। ये एक ऐसा फल है जिसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है। सुबह तरबूज खाने से ना सिर्फ प्यास को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, बल्कि शरीर को पोषण भी देता है। तरबूज में विटामिन B6, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दूसरा है स्ट्रॉबेरी। इन दिनों बाज़ार में बहुत सारी फ्रेश और टेस्ट स्ट्रॉबेरी आ रही हैं। रमजान की सहरी में स्ट्रॉबेरी को शामिल करके शरीर को हाइड्रेट रखा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी में 80-90% पानी पाया जाता है, जो प्यास को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्ट्रॉबेरी में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी पाया जाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा है खजूर से प्रोटीन में खजूर में प्रोटीन, कार्ब्स, आयरन, विटामिन और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सहरी में आप खजूर शेक का सेवन कर सकते हैं। खजूर शेक का सेवन करने से पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इसके अलावा ये प्यास को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि एक दिन में 100 ml से ज़्यादा खजूर शेक का सेवन नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को डायबिटीज है वो अपने डॉक्टर से बात करके ही खजूर शेक का सेवन करें। अगला है खीरे का जूस। खीरे या खीरे का जूस सेवन करके शरीर को हाइड्रेट रखा जा सकता है। खीरे में 90-95% से ज़्यादा पानी पाया जाता है, जो शरीर को अंदर से हाइड्रेट करने में मदद करता है। खीरा में विटामिन सी और फोलेट भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो प्यास को कंट्रोल करता है। और अगला है नारियल पानी। नारियल पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सुबह नारियल पानी पीने से पूरे दिन प्यास को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नारियल का पानी की खास बात यही है कि शरीर को सही से हाइड्रेट करने में मदद करता है। नारियल पानी के अलावा आप नारियल के फल को भी सहरी में हिस्सा बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप रमजान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम वो वीडियो बना के आपको देंगे। कोई रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का घंटी बजा दें। धन्यवाद।